हरियाणा के झज्जर वासियों, अगर आप 1 दिसंबर को शादी में जाने का सोच रही हैं तो थोड़ा ठहर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ मीरी चौबे। शादियों का सीजन चल रहा है, कोरोना काल की वजह से कई शादियां रुक गई हैं। अब जैसे ही शादियों का सीजन आया है और कोरोना थम गया है, शादियाँ लगातार हो रही हैं। तो आप अगर हरियाणा में हैं और आप शादी में जाने का सोच रही हैं, हरियाणा के झज्जर ज़िले में ही, और आप शादी में जाने का सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा ठहर जाए और सावधान हो जाए। अगर आप किसी भी RSS, BJP या JJP पार्टी से जुड़े हैं तो आप शादी में ना जाए। क्यों ना जाए, बताते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। राजेश धनकर, जो कि हरियाणा के झज्जर ज़िले के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बेटी के शादी के कार्ड पे साफ साफ ये लिख दिया है कि अगर आप BJP, JJP या RSS पार्टी से जुड़े हैं तो मेरी बेटी की शादी से दूर रहें। यानी कि अगर आप इन तीनों पार्टियों से जुड़े हैं तो आप शादी से दूर रहें, उनकी बेटी की शादी से दूर रहें, उन्हें ना आमंत्रित करने के लिए साफ साफ उन्होंने कार्ड पे छपवा दिया है कि इस किसी भी पार्टी से अगर आपके संबंध हैं, आप जुड़े हैं, आप उसके सदस्य हैं, तो आप मेरी बेटी की शादी में कृपया ना आए। ये तो रही पार्टी में शादियों में ना आने की बात, अगर आप किसी भी इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो शादी में ना आए। लेकिन कोरोना काल के बाद से शादी इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कैसे, बताते हैं। कोरोना काल की वजह से शादियां तो रुक गई थी, लेकिन अब उसी मजबूरी में किसी को शादी करनी पड़ गई तो लोग ऑनलाइन शादी भी कर रहे थे। कभी तो ये भी देखने को मिला कि दूल्हा अकेले जाकर अपनी दुल्हन को विवाह कर लेते आया, और अब लोग कार्ड पर ही स्कैनर छपवा दे रही हैं कि अगर जो गेस्ट शादी में ना आए और शगुन देना हो तो आप स्कैन करके गूगल पे कर सकते हैं। और अब ये एक नया तरीका आया है लोगों को अपनी शादी से दूर करने का, साफ साफ लिख देने का कि अगर आप इस सारी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो मेरे घर की शादी से दूर रहें। तो झज्जर वासियों, अगर आप किसी भी इस तरीके की पार्टी BJP, JJP और RSS से जुड़े हैं तो आप 1 दिसंबर को शादी में ना जाएं। इसका साफ साफ कार्ड पे नाम छपा कर साफ साफ मनाई कर दी गई है कि ऐसे लोग जो भी इन पार्टियों से जुड़े हैं शादी में ना आए। कोरोना काल की वजह से अलग अलग तरीके से शादियों के कार्ड बन रहे हैं, अलग अलग न्यू कॉमन चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अब ये पार्टी, ऐसे पार्टी से जुड़े लोगों को शादियों में ना जाने का ये भी चलन देखने को मिला है। कई बिहार में भी ऐसा सामने आया था, ऐसी चीज़ सामने आई थी कि राबड़ी देवी की तस्वीर अपने कार्ड पर छपवा दी गई थी, लालू यादव की तस्वीर अपने कार्ड पर छपवा गई थी, और अब ये हरियाणा के झज्जर ज़िले से ये कार्ड सामने आया है जिसकी बेटी की शादी 1 दिसंबर को है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरी बेटी की शादी से RSS, BJP और JJP के सदस्य दूर रहे। तो झज्जर वासियों, अगर आप JJP और RSS और BJP से जुड़े हैं तो 1 दिसंबर को शादी में ना जाए।